बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ख़वातीन और हज़रात, आज यहाँ पर शादी का जो फंक्शन चल रहा है और हमें यहाँ पे तीसरा दिन है और आज यहाँ पे ब्रेकफास्ट है। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो नीचे लंगर हाल में है। कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो अभी वहाँ पे टेबल तो हमने लगा दिए हैं लेकिन टेबल क्लॉथ है जो वो अभी तक नहीं लगा, इसलिए सेटअप नहीं लगा। तो अभी सुबह के 7 बज के हैं और अभी तक वो टेबल क्लॉथ वाले नहीं आए जिन्होंने लगाने थे, तो अभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट छोटा सा मेन्यू है जिसमें डोसा है, वड़ा पाव है और तंदूरी आलू नान है। उसके अलावा स्वीट में गुलाब जामुन है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और पानी, और इसके अलावा चाय का काउंटर है, लाइव काउंटर है। छोटा सा मेन्यू है हमारा। बाकी थाई फूड भी है, तकरीबन 200 से 250 गेस्ट आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए जी। यहाँ पे पूरा दिन लग ही जाएगा। आज डिनर तो नहीं है लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच और आईटी है। आईटी इनकी लेट हो जाती है मोस्टली। मैंने अभी नीचे ब्रेकफास्ट का सेटअप लगाना है और ब्रेकफास्ट का सेटअप लगाने के बाद फिर मैंने इधर ऊपर आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जो दूसरे वाला हाल है वहाँ पे लंच आज सर्व होगा। तो रात को यहाँ की टीम को बता दिया था, जो टेबल लगाने वाली टीम है उन्होंने उस हाल में टेबल लगा दिए हुए हैं। तो बस वहाँ पे आज लंच का सेटअप हो जाएगा और लंच के बाद फिर दोबारा आईटी नीचे जहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है वहाँ पे होगा। आज यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगेगा। कल हमने टेबल लगाए थे लेकिन जिसने कपड़ा लगाना था उसने कल कपड़ा लगाया ही नहीं और अभी भी 7 बज रहे हैं और वो कपड़े वाले अभी भी नहीं आए, टेबल क्लॉथ जिन्होंने लगाना है। तो अभी उनका वेट हो रहा है। ये साथ ही लंगर हाल है, यहाँ पे तो टेबल वगैरह लगे हुए हैं पूरे। आई होप आप सबको मेरे यहाँ के जो व्लॉग्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। अभी उनके जो प्राइवेट फंक्शन है अंदर हाल में, उसमें कितनी सारी नई चीज़ें हैं जो नॉर्मली दूसरी शादियों पे देखने को नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पे यही है कि अगर मैं वीडियो कैप्चर कर भी लूँ तो कोई इशू नहीं है, मुझे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उसको मैं फिर सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता, इसलिए मैं बनाता ही नहीं हूँ। क्योंकि उनकी प्राइवेट भी इतना बड़ा सारा उन्होंने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि वीडियो यहाँ पे शूट ना करें। उसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँ। पिछले 2 व्लॉग्स में आपने देखा होगा मैंने आपको अंदर जो हाल है इनका, उनकी डेकोरेशन दिखाई है। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम औसम इनकी डेकोरेशन होती है। और इस हाल में जो खाना लगता है, फूड काउंटर्स, वो भी आपने देखे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम नीट एंड क्लीन और काफ़ी सारी आइटम होती हैं, पूरा हाल भरा होता है जी। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेकफास्ट का जो सेटअप है वो हमारा लग चुका है और जो थाई फूड है उन्होंने भी काउंटर लगा लिया है। तो चलिए एक मुख्तसर सा विज़िट आपको ब्रेकफास्ट का करवाता हूँ, क्या क्या आइटम्स हैं और उसमें क्या क्या सर्व किया जा रहा है। ये जी ब्रेकफास्ट का पूरा सेटअप लग चुका है। ये यहाँ पे थाई फूड है। ख़वातीन हज़रात, ब्रेकफास्ट का सेटअप ऑलमोस्ट नीचे फुल लग चुका है। तो अभी मैं फ्री हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 8:30 हो गया टाइम। तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और अब मुझे अभी ऊपर जो लंच का सेटअप है वो लगाना है। तो चलिए मैं लंच का सेटअप लगाना शुरू करता हूँ। एक बार पूरा सेटअप लग लेगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आज लंच में क्या क्या आइटम्स हैं और हमारी क्या आइटम है और थाई फूड में क्या क्या है। तो जब पूरा सेटअप लग जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये हाल देखिए, कल रात को यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा और पास्ता था, अभी पूरा ये हॉल खाली हो गया। यहाँ के टेबल वो जो दूसरा हॉल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि आज लंच उधर है, तो ये पूरा खाली हो गया। और अभी इस तरफ कोई भी नहीं आया, लाइटें वगैरह ऑफ हैं। जी ख़वातीन हज़रात, सेटअप लगाना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे आज पिज़्ज़ा का काउंटर इधर है, अभी मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा था तो चाय की तलब हो रही थी, चाय ली है। यहाँ पे बार काउंटर है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सब इधर रहेंगे। और ये आज फूड जो है इस हॉल में लगेगा, ये वृंदावन का काउंटर, ये सब पूरा। और इस तरफ वो जो सामने काउंटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे थाई फूड आएगा। इधर पहले टेबल पे प्लेट्स हैं, इसके साथ है यहाँ पे पास्ता और एक स्टार्टर यहाँ पे है आलू टिक्की छोले चाट। और यहाँ पूरा मेन कोर्स है, मेन कोर्स में आलू मशरूम मटर की सब्जी है और तीन डिशें यहाँ नीचे गुरुद्वारे से आएंगी, मतलब गुरुद्वारे का खाना यहाँ ऊपर सर्व किया जाएगा। और यहाँ एंड वाले काउंटर पे लाइव टी बनेगी। तो एक बार पूरा सेटअप लग जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो डेकोरेशन है ये सेम है कल वाली। आज जी रेस्टोरेंट से हम आठ नौ लोग आए हैं और बाकी जो वेटर लोग हैं प्लेट्स वगैरह और ड्रिंक्स सर्व करने के लिए, प्लेट जो यहाँ टेबल्स पे होती हैं उनको नीचे तक धुलवाना और वो सब, उसके लिए 10 जो अलग से वेटर हैं वो बाहर से हमने हायर किए हैं। ये जी यहाँ पे थाई फूड, ये अपना सेटअप लगा रहे हैं अभी। जी ख़वातीन हज़रात, आई होप आप सबको आज का ये सिंपल सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल अहमद वैस व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मज़ेदार व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अहमद वैस को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।